हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें हमने लॉ ऑफ फोर्सेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको लेमी थ्योरम्स करवाया था जो कि आपका लास्ट टॉपिक था उस चैप्टर का। आपको मैंने पहले ही बताया था, बड़ा इम्पॉर्टेंट वो आपका लेसन था, सारा चैप्टर था। उसमें से आपको क्वेश्चन तो आते ही आते हैं फाइनल एग्ज़ाम के अंदर, उसके अलावा आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसमें से आपको मैंने न्यूमेरिकल भी करवाए थे, तो आपने न्यूमेरिकल्स को छोड़ना नहीं है। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा बुक में से, जितना भी एग्जांपल्स आपने सब करना है, जो भी आपको समझ में ना आए आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है जी। तो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। चैप्टर का नाम है मूवमेंट, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा ईजी है। तो चैप्टर का नेम है मूवमेंट, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको मूवमेंट का डेफिनेशन रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट रहेगा, एक इसमें आपको कपल क्या होता है, कपल का करैक्टरिस्टिक्स क्या है, और कपल का एप्लीकेशन क्या है। ये बड़े मेन टॉपिक्स हैं आपके, इनमें से एक टॉपिक आपको फाइनल एग्ज़ाम में आता होता है। तो आज के लेक्चर में आपको मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही कम्प्लीट करवाऊँगा। इसका न्यूमेरिकली जो पार्ट है, इसमें दो तीन न्यूमेरिकल हैं जो मे भी कभी कभी डाल देते हैं एग्ज़ाम के अंदर, सिंपल हैं, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आज आपका मैं जस्ट ओनली थ्योरेटिकल पार्ट कवर करवा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का कंसेप्ट है क्या चीज़, पहले वो देखिए। पहले आपको मैं यहाँ पे जो भी लिखा है उसको पढ़ने से पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक ये राउंड शेप के अंदर एक आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, एक तो फोर्स आप टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक यहाँ पे लगा रहे हो, एक इसके आप सेंटर में लगा रहे हो। जब आप फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो बॉडी आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अगर फोर्स आप ऊपर में लगाओगे तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और अगर सेंटर में लगाओगे तो ये आगे मूव कर जाएगा। इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, जब ये गोल घूमता है उसको रोटेटिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन केसेस यहाँ पे आएंगे, इसी के बारे में यहाँ पे सारा लिख रखा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। बोलते हैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो नीचे जो आपके पास यहाँ पे इफेक्ट है, उन इफेक्ट हैं उनमें से कुछ भी यहाँ पे आएगा। पहला देखिए, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड लेटरली, ये वाला केस है आपका। बॉडी आपका क्या है, डिस्प्लेस हो गया है लेटरली, मीन्स वो अपनी पोजिशन से किसी और पोजीशन पे चला गया है, आगे शिफ्ट हो गया है। सेकंड पॉइंट देखिए, बॉडी इज रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट और एक्सेस। बोलता है बॉडी रोटेट कर रहा है एक पॉइंट के अराउंड या एक एक्सेस के अराउंड। अब वो रोटेशन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका फोर्स किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है। अगर ऊपर में लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, अगर ऊपर में लग रहा है तो बॉडी आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर नीचे में लग रहा है तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अब इन्हीं तीन कंडीशन को यहाँ पे मैंने दोबारा से यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस कंसीडर अ बॉल ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड एट थ्री डिफरेंट पोजीशंस। पहला देखिए, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट आपका ए था, ठीक है ना। एट पॉइंट ए द बॉल विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। When the force is applied at point B, ये आपका B point, अगर B point पे force लगा रहे हैं, the ball will move in clockwise direction, तो ball आपका clockwise direction में घूम रहा है। Third case देखिए, When the force is applied at point C, जब आप force C point पे लगा रहे हो, the ball will move laterally, ठीक है, and attain the position as shown by dotted, तो क्या है वो laterally move करेगा, और जो आपको मैंने यहाँ पे dotted shape दिखा रखा है, बॉडी आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीन केसेस यहाँ पे चलते हैं जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो जो कि रोटेट कर सकती है, ओके जी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, दिस शोज दैट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ टू आइदर रोटेट द बॉडी और टू गिव ट्रांसलेटरी मोशन टू द बॉडी। मीन्स बोलता है अब जो फोर्स वहाँ पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, या तो वो बॉडी को रोटेट करवाएगा, घुमाएगा, या क्या करेगा बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन देगा। द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एनी बॉडी इज नोन एज मूवमेंट। तो बोलता है ये टेंडेंसी जो फोर्स लगने के कारण एक बॉडी रोटेट हो रही है उसको बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है जी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉर्क, इसको टॉर्क भी बोल दिया जाता है। अब मूवमेंट का डेफिनेशन हम आगे देखते हैं। देखिए, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एंड यूनिट ऑफ मूवमेंट्स,
देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन देखिए ये रहा, ठीक है। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट, बोलते हैं जो टर्निंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट। मैथमेटिकली द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंट का फार्मूला है, मोमेंट का फार्मूला आपके पास रहता है एम इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट का फार्मूला रहता है। देखिए अब इसके फार्मूले के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, देखिए यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रखा है। पॉइंट ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीन्स आपको पता होना चाहिए फोर्स आपका वहाँ पे कितना लग रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट और लाइन अबाउट विच मूवमेंट इज टू बी टेकन मीन्स, अब देखिए जैसे ये पॉइंट आपका, ठीक है, ये फोर्स लग रहा था, ये पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना है जो कि 90 डिग्री के ऊपर है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मोमेंट आ जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए फार्मूला, एम इज इक्वल टू पी इन टू सी, पी आपका फोर्स था और ओ सी यहाँ पे डिस्टेंस है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपके पास मोमेंट का फार्मूला आ गया आपके पास, ओके। अब आगे देखिए, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, अब मोमेंट को आप यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हो, ये उसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ दे रखा है, इसमें हम सबसे मेन जो है आपका लीवर है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो लीवर हो गया, द कॉमन स्टील यार्ड हो गया, लीवर सेफ्टी वॉल्व हो गया, एंड टू फाइंड रिएक्शन ऑफ बीम स्लैब्स एंड ट्रसेस एक्सेट्रा, ये आपके चार एप्लीकेशन हैं। लेकिन जो सबसे मेन लीवर है, हम लीवर के ऊपर यहाँ पे मेन फोकस करेंगे अपना। देखिए अब लीवर होता क्या है, देखिए अ लीवर मे बी डिफाइंड एज अ रिजिड बार, स्ट्रेट, बेंट और कर्वड विच इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इन इट। बोलते हैं लीवर क्या है, लीवर हो सकता है एक रिजिड बार हो, ठीक है, वो क्या है आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, बेंट मुड़ा हुआ भी हो सकता है, या किसी कर्व के ऊपर भी हो सकता है, जो कि फ्री होता है एक पॉइंट के अराउंड रोटेट करने के लिए, ठीक है ना। अब जो ये फिक्स पॉइंट है जहाँ पे ये रोटेट करता है, फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फलक्रम। देखिए नेक्स्ट लाइन के अंदर, द फिक्स पॉइंट इन द लीवर इज कॉल्ड फलक्रम ऑफ द लीवर एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल ओ ओ डी, इसको ओ या डी के साथ डिनोट करते हैं, इसको फलक्रम बोलते हैं, जो पॉइंट यहाँ पे फिक्स रहता है जिसके अराउंड आपका वहाँ पे रोटेशन होता है, ठीक है जी, या मूवमेंट होता है। आगे देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, इट वाज गिवन बाय आर्किमिडीज, द प्रिंसिपल ऑफ लीवर इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंड हिज लीवर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो आपका लीवर है वो आपका काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऊपर काम करता है, ओके। When the lever is in equilibrium, the algebraic sum of moment of all the forces acting on it about the fulcrum is zero. जब बोलता है बॉडी, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर, जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो क्या होता है, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट हैं फोर्स के, और जितने भी मोमेंट हैं, उन सबका अल्जेब्रिक सम जीरो रहता है। अब यहाँ पे मोमेंट चैप्टर चल रहा है तो ये मोमेंट की बात कर रहा है, ओके। और अब मूवमेंट जीरो है इसका मीन्स क्या हुआ, देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट आर इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, ठीक है, क्योंकि एक आप पॉजिटिव ले लोगे, मान लो आपका क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिए आगे, लीवर इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वेरी हैवी लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल एफर्ट और पावर। लीवर को जनरली हम यूज़ करते हैं हैवी लोड को उठाने के लिए, और अपनी तरफ से हमें वहाँ पे जो एफर्ट डालना है वो कम डालना पड़े, उसके लिए लीवर आपका काम में आता है हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एफर्ट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लोड और वेट टू बी लिफ्टेड फ्रॉम इट्स अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द फल्क्रम इज कॉल्ड लोड आर्म। ये आप डायग्राम देखिए, अब ये आपका लोड था जिसको आपने उठाना था, यहाँ से लेके फल्क्रम, फल्क्रम क्या था, जो फिक्स पॉइंट है, सेंटर आपका फिक्स मान लिया, यहाँ तक जो आपस में गैप रहता है उसको बोलते हैं लोड आर्म। ऐसे ही फलक्रम से जहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो वहाँ तक का जो गैप रहता है उसको बोलते हैं हम एफर्ट आर्म, ठीक है, वही यहाँ पे बता रखा है ये लोड आर्म, एफर्ट आर्म और फलक्रम, ये तीन यहाँ पे आपके मेनली पॉइंट रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लीवर, देखिए टाइप्स ऑफ लीवर, जनरली आपके पास दो तरीके के लीवर रहते हैं, सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर। आगे सिंपल लीवर का फर्दर थ्री टाइप्स है, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए सिंपल लीवर, अ सिंपल लीवर इज वन विच हैज़ ओनली वन फलक्रम, सिंपल लीवर वो है जिसके पास एक फलक्रम रहेगा।
सच लीवर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लोड आर्म एंड वन एफर्ट आर्म, मीन्स जब मैं जब जिस जिसमें सब में जिनमें सब कुछ वन वन है, एफर्ट आर्म, लोड आर्म एंड फलक्रम, वो आपका सिंपल लीवर कहलाएगा। ठीक है जी, अब आगे इनका सब क्लासिफिकेशन है। तो पहला आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, आपके पास तीन है ये, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर। बेसिक डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि आपको मैंने बताया यहाँ पे आपके पास तीन पॉइंट रहते हैं, यहाँ पे देखा था ना उन्होंने, एक आपके पास लोड वाला पॉइंट रहता है, एक फलक्रम रहता है, एक एफर्ट रहता है। बस तीनों लीवर में क्या है, इनका पोजीशन चेंज होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लीवर में देखिए, अ लीवर विच हैज़ द फलक्रम बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, जब आपका फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में हो, जब आपका फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में हो तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीवर, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। अ लीवर विच हैज़ द फलक्रम बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट इज नोन एज लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का लीवर है। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म, ये आपको पहले बता के आया था मैं, ये आपका लोड आर्म है, ये आपका एफर्ट आर्म है, इनके बेस के ऊपर आपका यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा। अभी होता क्या है, ये आपको जाके लास्ट चैप्टर में लगेगा पता, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, वहाँ पे दो टर्म्स आएंगी, वो क्या क्या होती हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद जनरली आपके पास यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स है वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्रोबार हो गया, सेकंड देखिए द की एंड हैमर सिस्टम ऑफ ए पियानो एंड ए टाइपराइटर हो गया, ए बाईसाइकिल ब्रेक हो गया, अ मैन कैरिंग ए सेक ऑफ कॉयल हो गया, ए पोकर यूज टू रेज कॉल इन ए ग्रेटर हो गया, अ स्पेड यूज इन डिगिंग द अर्थ, द हैंडल ऑफ अ कॉमन पम्प, अ सीसा एंड सीजर्स। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल्स हो गया, जहाँ पे भी आपको जो आपका फिक्स पॉइंट है वो सेंटर में दिखे तो वो आपका फर्स्ट काइंड का आपके पास लीवर है। ओके, देन आपका नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर लीवर। अब इसमें देखिए, अ लीवर विच हैज़ द फलक्रम एट और नियर द एंड ऑफ लीवर, अब इनमें क्या है, जो आपका फलक्रम है वो लास्ट में है, देखिए ये रहा फलक्रम आपका। अ लीवर विच हैज़ द फलक्रम एट और नियर द एंड ऑफ द लीवर एंड द लॉर्ड बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट, और जो लोड है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, ये आपका एफर्ट है, ये फलक्रम है, लोड आपका सेंटर में रहेगा, तो आपका सेकेंड काइंड का लीवर आ गया। ठीक है, अब ये नीचे इसका एग्जांपल दे रखा है, डोर की, टिन ओपनर, फुट ब्लोस, अ व्हील बैरो, द ओर ऑफ अ रोइंग बोट, ए पंचिंग मशीन, नट क्रैकर हो गया, कॉर्क स्क्वीज़र हो गया, क्रोबार हो गया, ये इस सबका ये एग्जाम्पल्स दे रखा है सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है जी, देन आपके पास आ गया थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर में क्या है, पोजीशन दूसरा हो जाएगा। अब पहला ऑर्डर था उसमें क्या था, फलक्रम सेंटर में था, सेकंड ऑर्डर में लास्ट पॉइंट के ऊपर था। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, लास्ट में आपका क्या चला गया, वेट चला गया, देखिए और फलक्रम आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ लीवर इन विच द फलक्रम इज एट और नियर द एंड ऑफ द लीवर, द एफर्ट बींग बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम इज नोन एज लीवर ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है ना, अब इसमें एफर्ट आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, तो आपका थर्ड काइंड हो गया। एग्जांपल देख लीजिए इसका, फोर आर्म हो गया अपना, किकिंग का फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बैट हो गया, फिनिशिंग रोड हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, सेफ्टी वॉल्व्स हो गया, फायर टॉन्ग्स हो गया, फोरसेप्स हो गया, क्लिपर्स हो गया, ट्वीजर्स हो गया, ट्रेडल्स हो गया। इतना एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स इसका याद कर लीजिएगा। तो ये आपके पास था लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड लीवर आ गया। अब सिंपल लीवर में क्या था, फलक्रम भी एक था, लोड आर्म भी एक था, एफर्ट आर्म भी एक था। फलक्रम ये कंपाउंड लीवर क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा लीवर का सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कंपाउंड लीवर इज़ दैट विच हैज़ मोर देन वन फलक्रम। अब जिसके पास एक से ज़्यादा फलक्रम होंगे आपके पास, तो वो आपका हो जाएगा कंपाउंड लीवर। ठीक है, मीन्स दो या दो से ज़्यादा सिंपल लीवर से मिलके आपका कंपाउंड लीवर बना होता है जनरली। बस आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है, सिर्फ कंपाउंड लीवर का आपको डेफिनेशन ही है, वो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया वही है बस। ठीक है जी, तो ये आपका था कंपाउंड लीवर। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आपके पास आ गया है कपल। तो देखिए कपल क्या होता है, टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स अ कपल। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको, अगर आपके पास दो बराबर और अनलाइक, अनलाइक मीन्स क्या होता है, एक आपका अपर डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक आपका लोअर डायरेक्शन में, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में, बट होनी पैरेलल चाहिए, मीन्स कभी भी ये आपस में कट ना करें।
जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ओके। तो वो कप परफॉर्म करती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपके पास टैप हो गया, पानी वाली टूटी हो गया, ठीक है। जब आप उसको ओपन करते हो तो आपका दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। आगे इसकी एग्जांपल्स भी आएंगी, वहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखिए आर्म ऑफ कपल। अब आर्म ऑफ कपल क्या होता है, जो दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस रहता है उसको आर्म ऑफ कपल बोलते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। देखिए डेफिनेशन यही लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर कॉल्ड आर्म ऑफ कपल, इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स, इसको एक्स के साथ डिनोट करते हैं। देन आपका आ गया मूवमेंट ऑफ कपल, ये आपका जैसे मूवमेंट का फार्मूला था वही फार्मूला होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है जी। और डिस्टेंस क्या है, वही आर्म ऑफ कपल वाला आपका डिस्टेंस है, ओके। ये देखिए एम इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, पी यहाँ पे क्या है आइदर फोर्स ऑफ कपल, एंड एक्स आपके पास क्या है आर्म ऑफ कपल, ठीक है जी। अब इससे आगे देखिए इसका एग्जांपल्स, देखिए कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कपल इन एवरीडे लाइफ, रोजाना की लाइफ में हम कपल का एग्जांपल्स कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ पे वो लग रहा है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, टाइटनिंग और लूजनिंग अ नट, ठीक है। एक नट को टाइट करना है या लूज़ करना है तब भी क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स यहाँ पर लगता है, तो वो आपका हो गया। सेकेंड देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग अ वाटर टैप, एक पानी का टैप है उसको आप ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, ओके। देन नेक्स्ट आपका आ गया स्टीयरिंग अ मोटर कार, ठीक है। एक आपका कार है जो कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, उसमें भी क्या है स्टीयरिंग होता है आपका, उसमें भी क्या है आपका दो फोर्सेस लगती हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम के साथ दिखा रखा है, ठीक है जी। ये वाटर टैप का एग्जांपल हो गया आपके पास। देन फोर्थ देखिए, द फोर्सेस अप्लाइड टू द की ऑफ अ लॉक, ओके। देन वाइंडिंग अ वॉच, ठीक है, ट्विस्टिंग अ स्क्रू ड्राइवर, मूविंग द पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल, टर्निंग द कैप ऑफ अ पेन, मीन्स जहाँ भी आपकी दो फोर्सेस लगती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं एक दूसरे से, तो आपका कपल यहाँ पे फॉर्म कर रही है, ये सारा उसका एग्जांपल्स हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ कपल, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस फॉर्मिंग द कपल इज ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें पता है एक फोर्स ऊपर में लग रहा है, एक नीचे में, और दोनों आपस में बराबर है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, तो दोनों का अलजेब्रिक सम ज़ीरो हो जाएगा ना, तो वही फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रॉपर्टी का, द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस फॉर्मिंग द कपल इज ज़ीरो। देन नेक्स्ट देखिए, अ कपल कैन ओनली बी बैलेंस बाय अ कपल ऑफ ऑपोजिट नेचर बट नॉट बाय अ सिंगल फोर्स। अगर आपने एक कपल को बैलेंस करना है तो आपको वैसा ही एक और कपल लगाना पड़ेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप टैप खोल रहे हो पानी का, अगर आपको बंद करना है तो आपको उल्टी डायरेक्शन में कपल लगाना पड़ेगा ना, तो वही हो गया आपका, एक कपल को आप बैलेंस करने के लिए एक और कपल लगाओगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट देखिए, द मूवमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स एंड आर्म ऑफ कपल, ये हम देख के आए हैं, ये आपका मूवमेंट ऑफ कपल का फार्मूला हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पे ये आर्म ऑफ कपल बोल रहा है, ठीक है जी। अब फोर्थ पॉइंट में उसी चीज़ को इसने फार्मूला के फॉर्म में लिख दिया है, देखिए एम इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, ओके। देन नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पॉइंट, द एक्शन ऑफ अ कपल रिमेन अनचेंज इवन इफ इट्स आर्म इज डिस्प्लेसमेंट टू एनी अदर पोजिशन इन द प्लेन इन विच इट एक्ट, और इन अदर वर्ड कपल मे बी ट्रांसफर टू एनी अदर पोजिशन इन द सेम प्लेन, मीन्स हम एक ही प्लेन के अंदर कपल को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देन सिक्स पॉइंट देखिए, द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कपल ऑफ अ नंबर ऑफ कपल्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कपल, ये वही है, आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, चाहे तो उनको अकेला अकेला निकाल के उनका ऐडअप कर लीजिए, चाहे टोटल ऐडअप कर लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। देन सेवन्थ पॉइंट देखिए, एनी टू कोप्लैनर कपल ऑफ इक्वल मूवमेंट एंड सेम सेंस ऑफ रोटेशन आर इक्विवेलेंट, अगर एक ही प्लेन के अंदर आपके दो कपल लग रहे हैं और दोनों का रोटेशन सेम है तो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट देखिए, द अफेक्ट ऑफ अ कपल इज अनअल्टर्ड इफ द कपल इज शिफ्टेड टू अ पैरेलल प्लेन, ये वही आ गया आपका पॉइंट जो पहले हमने किया था, फिफ्थ पॉइंट के जैसे ही आ गया, बट यहाँ पर क्या है पैरेलल प्लेन है, अगर उसमें आप उसको कपल को शिफ्ट करोगे तो भी वो अनअल्टर्ड ही रहेगा, ठीक है जी। लास्ट देखिए, अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कपल इज दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मूवमेंट सेंटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास ये नौ करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें से आपने कोई भी पांच या छह याद कर लेनी है, ठीक है। तो मूवमेंट चैप्टर के थ्योरी के अंदर यही कुछ था, इसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी पोर्शन है, दो तीन न्यूमेरिकल ही हैं, वो लेटर ऑन किसी दिन और करेंगे, मे बी आपकी क्लासेस फिजिकली लग जाएंगी तब आपको ये दोबारा से करवा देंगे, उसमें आपको इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बता देंगे या उससे पहले बता देंगे, आपका जब सिलेबस कवर अप कर लेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल ना कोई टिपिकल नहीं है तो वो बाद में करेंगे।
तो आपके मूवमेंट चैप्टर के अंदर यही कुछ था। इसके अलावा आपको उसमें एक दो टॉपिक और थे, जैसे लाइक फोर्सेस अनलाइक फोर्सेस, वो आपको मैं पहले ही पढ़ा के आया हूँ सेकंड चैप्टर के अंदर। और एक क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था, वो भी हम वहाँ पे देख के आए हैं, ठीक है जी। तो यही कुछ था इसमें बस, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपना लगेगा तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन का। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ओके बाय बाय।